अरे सामान पैक करके आ जाइए तुम। हैं क्या? मैं घर पे जा रही हूँ, कोई अर्जेंट काम है। क्या काम है? काम अर्जेंट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। राम राम, जय सिया राम, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ और हमारे यहाँ छत से ये पीछे देखो ऐसे धुंध धुंध सी लग रही है, बदल हो रखे थे सुबह पहले, अब तो बदल गए, लेकिन ये बदल नीचे उतर गए धुंध के रूप में, चारों तरफ ऐसा हो रखा है। आई होप कहीं ना कहीं बारिश हुई है या होगी या कुछ ऐसा है। गाइस गाइस, हेलो किट्टू, क्या कर रहे हो? अरे नए कपड़े पहन रखे तुम, वाओ। अरे गाइस देखो इसके ये घोड़े पे ना कैसे मुंह बनाया हुआ है, ये मुंह किसने बनाया इस घोड़े का? दीदी ने। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। राम राम जी, हाथ जोड़ के राम राम गुरु बेटा। कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो अपने वीडियो के लिए क्या बोलेगी? और सब्सक्राइब कर दो, हमारी किट्टूडी कह रही है सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है? हेलो मैडम, क्या बात है, बड़ी अच्छी लग रही है आज तो तुम। मेरे को तो आज ही लग रही हो। अच्छा। ऐसे बहुत ही अच्छी लग रही हो। मत बोला कर, रोज रोज बोलते हैं आप ये बात। कब बोला मैंने? परसों दिन बोला। पौने 41 साल हो गए मेरे को ये बात बोले हुए। हेलो टीटू, टीटू आओ। क्या हुआ? आज जल्दी आ गया, मेरे को काम है बहुत सारा आज, इसलिए मैं तो कुछ और चीज बनाती थी, आप आते थे इससे पहले। क्या? अच्छा, मेरे लिए सरप्राइज बनाती। चलो मैं भी दिखाता हूँ क्या। गाइस देखते हैं क्या सरप्राइज बना रही है, इसका सरप्राइज देखते हैं। लगता से फूट रही हो, बिल्कुल फूटी फूटी सी फूट रही। कहीं जाने की सोच रही थी। कहाँ जा रही हो? किसके साथ जा रही हो? क्यों जा रही हो? क्या चक्कर है? मेरे को भी लेके चलोगी ना? तो मैं मेरी बेटी, तुम और तुम्हारी बेटियां जाओगी, तो बेटियों के बाप के बिना क्या करोगी जाके? अच्छा अच्छा दोस्तों, ये ढंड जाने की सोच रही है, इसका मतलब तो फिर तो तो चलो मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, तुम कुछ बना रही थी ना? इस नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया फर्स्ट क्लास, और किरण गई किचन में कुछ बनाने के लिए। मेरे पास है मेरी प्यारी सी टीटू, ये देखो। हेलो टीटू, ये हमारी टीटूडी। और अच्छा लग रहा हूँ ना, काले काले टी शर्ट में, गोरा गोरा मैं। तो देखते किरण क्या कर रही है, क्या स्पेशल बना रही है मेरे लिए। और गाइस, ये जो मेरे लिए बना रही है आलू के पराठे हैं, पराठे आलू के। मेरे पिता के टिफिन में बहुत ऐसे कहती रहती, मेरे टिफिन को बनाओगी कब बनाओगी? अच्छा रितिका टिफिन के लिए बोल रही थी इसलिए, तो मैं तो टिफिन के लिए बुलाई नहीं तुमको। फिर मैं सोचा आपके लिए हैं, आपके लिए बना देती, एक तो के लिए बनाऊंगी। अच्छा सबके लिए बनाओगी हैं? तो गाइस ये हमारे लिए बना रही है स्पेशल आलू के पराठे, और सब्जी कहीं की है दिखाना, आलनी हरी है, मेरी फेवरेट है सब्जी गाइस, ये मेरे को अच्छी लगती है सब्जी, हरी सब्जी मेरे को, एक मात्र एक ये और एक बतवा चीलवा जिसको बोलते हैं, वो सब बहुत अच्छा लगता है। गाइस हमारी किट्टूडी भी पहली बार होने किचन में, किचन में बहुत बार आई है। तो ये देखो हम दोनों आके अब इसके लिए देख रहे हैं, बोले हमारे लिए बनाया क्या, इसने घी लेने गए थे तो पीपा उन्होंने छोटा ही दे दिया हमको, ये इसको क्या है कि उन्होंने बॉर्नविटा नहीं पिलाया। अरे ये तो दोस्तों इसने तो बाहर दिया, अरे राम बाहर दिया। अच्छा यहाँ बढ़ा दिया क्या? तो वो बढ़ गया, हाँ बढ़ गया, बताओ। ये देखो दोस्तों ये बढ़ गए थे, उल्टी साइड उल्टा कर दिया इसको, ये देखो ये बाहर दिया। तो गाइस ये हमारा डोरेमोन, डोरेमोन कैसे करता है, कैसे करता है तुम्हारा परवीन? ड्यूटी से आ गया ना धो के रेडी, और ये छोरा गांव जा रहा है, रूस के बैठा है। नहीं मेरे को मम्मी की याद आ रही है, मम्मी जाऊंगा है, मम्मी याद आ रही तेरे? अरे ये तेरी माऊ सी है, माऊ सी भी माँ के बराबर, माऊ जैसी होती, माँ जैसी होती माऊ सी, तो मम्मी से मेरे लिए मिल लिया ना बस, खत्म है। अरे तू कौन है, कैसे चमक रही है? अच्छा सो के उठ गई तू? गई सो के उठ गई,
और अब अभी चाय का टाइम हो गया, इसी वजह से हम सारे बैठे हैं, साथ चाय पियेंगे। तबीयत कैसी है अब तेरी? सही है, सुधार है। सुधार है तो उल्टियाँ कर रहे ना, अब तो सीधी होगी ना? नहीं नहीं, अब सही है, एक नंबर। एक नंबर जने। हाँ, कल ब्याह में जिम रहे, जिम एक नंबर हो गए, अब बढ़िया हो गए। हाँ, काका जी से मिले थे कल दोस्तों, वहाँ का एक नंबर हो गया। क्या कर रही हूँ है? ये बैग पैक करके कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रही हो? अरे तो घर पे क्यों, तो क्या हो गया? अरे यार ऐसे मत करो ना, प्लीज मत जाओ ना। है क्यों जाते हैं? आप घर पे थे तो ये तुम्हारा ही तो घर है। तो क्या कर रही, मम्मी पापा को यहीं बुला लो मिलने के लिए। क्यों तो? अरे यार प्लीज मत जाओ ना, बड़ी मुश्किल से तो तुम वीडियो बनाने लगी और अब जा रही हो तुम। जा बढ़ कर कौन सा गाना गा के? तो गाइस ये ना घर जाती है ना, और जब भी ये घर जाती है मेरे को एक गाना याद आता है, कौन सा? बादल आवारा दीवाना बन गया हूँ यारो, मैं फिर से कमारा बन गया हूँ, मेरी बीवी मायके चली गई। और ये गाना सुन के इसके ना इतना दुख होता है, इसके मेरे दुख होता है, मेरे चेहरे से लग रहा है। ते बच्चों के कपड़े क्यों निकालती? तो क्यों निकालती, बच्चों को नहीं लेके जाऊंगी। तो निकाल रही हो कि लेके जा रही हो? उनके रखूंगी मैं, इसके अंदर रखूंगी, पैक करूंगी। नी नी कपड़े। अरे यार सच में जा रही हो? गाइस ये बैग हमने नाम में जीता था, हमारी केटूडी ने। जाऊंगा ही नहीं तुमको छोड़ने, तो तुम कैसे जाओगी? कैसे जाओ? हैं? किसको बुलाओगी? बुला। अच्छा अपने ब्रा तसरी को? अरे यार ऐसे मत करो यार, करने में। चल रुकने का क्या लोगे तुम यहाँ पे बताओ? अभी तो मेरा मुंह से काम कराऊं तो। क्या काम कराऊं? बताओ कौन से पार्ट उन्होंने? किनके? ये तो नई टी शर्ट है, अभी लेके आया था मुझे। कहाँ रखूँ? क्यों रखवा दो? तो ये तो नई लेके आया था ना, आपके देख रही हो क्या? कहाँ है ये किट्टू के? रितिका की टी शर्ट है दोस्तों, बिल्ली वाली रितिका की टी शर्ट है, बोली किट्टू के आ जाएगी। कैसी लड़की है, तो किट्टू के लिए नई ले आना। है हाँ तो बता। नहीं नहीं जा रही, नहीं नहीं सही सही बताओ, नहीं जा रही ना। इनको रखा, चलो ठीक है उठा के ऊपर रख दूंगा, ठीक है तुम भर दो, उठा के ऊपर रख दूंगा पक्का, प्रॉमिस। ऊपर नहीं रखवाना, नीचे रखवाना। ठीक है तुम रखो तो सही। इससे भी ना इसके क्या है दोस्तों, पेट में ना टांके है ना उनमें दर्द होता है। और अब आप ये बोलो भैया भाभी से काम तो करवाते हो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, कसम से कह रहा हूँ ना, इससे पूछ रहा हूँ मैं कितनी लड़ाइयाँ करता हूँ उससे। क्यों? क्योंकि तू काम मत किया कर, आराम किया कर। मम्मी भी डांटती, सब डांटते हैं लेकिन मानती नहीं है। अब क्या करें, बोले बोले मेरे बैठे बैठे ना मेरे को ना अड़गता नहीं है, मेरे पेट में गैस बन जाती है। हाँ आप देखो ऑनलाइन तो कैसे बोल रही हो, बताओ पेट का तुम्हारे टाकों का क्या हाल है? बहुत बुरा दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे लगता है जैसे टूट रहे हैं। चटके चलते ना, तो इसलिए कह रहा हूँ मत जाओ तुम, यहाँ पर डॉक्टर को दिखा के अपना ना आराम से अच्छे से वो करेंगे। वहाँ पे डॉक्टर को दिखाऊंगी। वहाँ डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर ही नहीं है। नहीं जयपुर आना पड़ेगा तुमको, जयपुर से वहां जा रही हो है? अरे कुछ तो बोलो। काम कर, मना करते करते तुम करती हो काम, सुधरती हो नहीं, और फिर बाद में वो कर रही हो। हाँ लेकिन वहां जाओगे तो थोड़ा आराम भी कर लोगी। सही बात है, जाओ अभी जाओ, अब बाहर जाओ, छोड़ रहा हूँ ना नीचे तक। नहीं अब तो नीचे तक छोड़ रहा हूँ धर्मेंद्र आवल तक खड़ी रहिए नीचे। उस तो देखो घर जाने के नाम पर ना कितनी मोटी हो गई है एकाएक ही। ये देखो अलमारी, इतनी बड़ी सारी अलमारी है ना, इसके अंदर आधी तो यही मांगी है। हंस रही और सही बता रहा हूँ, अब गेट बंद करे ना एक साइड का, तो गेट वैसे बंद हो गया, एक साइड के अंदर तो ये अकेली रख ली उस पूरी अलमारी को। हैं परस भी टांक ली हैं? अरे यार तुम तो परस और टांक के मैडम जी बन की जा रही है। मैडम जी कहाँ जा रही हो? मेरे घर पे जा रही हूँ। क्या है घर पे? मेरे मम्मी पापा हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पापा मम्मी भी तो है, तुम्हारे बींद भी है, तुम्हारा यहाँ तुम्हारा खसम भी है ना।
दो बेटियां भी हैं, तीनों बेटियां भी हैं तुम्हारी। अरे जो रितिका का तो एग्जाम है। तो दोस्तों देखो, कितनी देर से मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं मनाने में सक्सेसफुल ही नहीं हो रहा। प्लीज आप लोग कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बोला भाभी मत जाओ, तो गई भी वापिस आ जाएगी। अगर मुझे मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरी बात इतने दिनों से देख रहे हैं ना आप लोग, तो ये सोच के देखना कि मुझे कितने दिन हो गए मेरे घर पे गए। तो गाइस अगर ये घर चले गए ना तो उसके वीडियो ना बहुत कम आएंगे। तो भी आपको फिर भी देखो, ऐसे इंसान है इनको वीडियो की चिंता है सिर्फ नहीं, मेरे को उसकी चिंता है जो अपने जो व्यूवर्स है ना सब देखते हैं ना, तो उनको सबको देखना पसंद है। थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा सा तुम जिस दिन बढ़ा दूंगा। तो गाइस आप प्लीज कमेंट करके, आज कमेंट करके बोलना भाभी जब वीडियो पूरा आप ही बनाया करो, शुरुआत आप ही किया करो। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही करना, फिर देखते हैं कितनी बात मानती है। देखें मैं तो मजाक कर रही थी क्योंकि सर्दियों के कपड़े हैं ना जिनको रख रही थी ऊपर। अच्छा मेरे को ऐसे बेकार ही थी तुम्हें, इनको रख के मैं तो मखाम खाई खुश हो रहा था। कि बोले तुम जा रही हो तुम्हारे घर पे है, वो गाना भी गा दिया था मैंने बादल आवारा वाला। अरे यार कोई बात नहीं, दोबारा गा लूंगा मैं।